हाय गाइस, वेलकम इन माय ब्लॉग फैंटास्टिक फरा। तो आज मैं दो मिरेकल ऑयल लाई हूँ जिससे हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल, हेयर ड्राइनेस, प्री मैच्योर ग्रे हेयर या जो भी कोई प्रॉब्लम हो, ये हेयर ऑयल उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। कलौंजी ऑयल जो अनियन सीड से बना हुआ ऑयल है। तो ये ऑयल मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया। पहले मैंने ऑनलाइन गूगल पे रिसर्च किया कि ये प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है और मुझे ये ऑयल दिखा सबसे पहले, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। ये ऑयल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ये 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, फुल नेचुरल है, नो केमिकल। और ये ऑयल की बॉटल भी अच्छी खासी बड़ी आती है, बहुत कम पैसों में। मैं नीचे लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो इसकी साइज़। और सेकेंड ऑयल जो है कैस्टर ऑयल, आप गूगल पे अभी भी टाइप करके चेक कर सकते हो। कैस्टर ऑयल के थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। ये आपके स्कैल्प के लिए प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन का काम करता है। ये भी 100% नेचुरल है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। आप कैस्टर ऑयल और कलौंजी ऑयल या कैस्टर ऑयल और एनी अदर ऑयल को मिला के अपने बालों में लगा सकते हो। मैं कैस्टर और कलौंजी मिला के लगाती हूँ, ये लास्ट 15 डेज से मैं लगा रही हूँ। इसका रिजल्ट सुपर्ब है। ये लगाने से बेबी हेयर मुझे दिख रहा है जो, और मेरे हेयर फॉल भी 80% रिड्यूस हो गए, नहीं होता है अब। ये मैं अभी बहुत कम लगा के बता रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका प्रपोर्शन बहुत कम है। पर आप जब मैं इसे ओवरनाइट लगाती हूँ तो मैं अच्छा खासा लगा के मसाज करती हूँ। और जब भी मुझे शावर लेना होता है उसके एक घंटा पहले मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। मैं वीक में 4 to 5 डेज से लगाने की कोशिश करती हूँ। इससे मेरे बाल की हेयर फॉल बहुत कम हो गई है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, इन केस आपको परचेस करना हो तो आप चेक कर लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।